हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बनाएंगे एक डिनर रेसिपी जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, झटपट बन जाता है। अगर आपको कुछ बनाने का मन नहीं है फिर ये बना के खाइए, रात को ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। 2 मीडियम साइज़ का पोटैटो हमने ले लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरे सारे प्यारे दोस्तों से की रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये हमने पोटैटो को पील कर लिए हैं और इसका स्लाइसेस निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरह आप पोटैटो को पील करके पतले पतले स्लाइसेस निकालिए। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, एकदम झटपट बन जाता है। इतना आसान तरीके से मैं बताऊंगी कि आप हर कोई बना लोगे। डिनर में कुछ बनाने का मन नहीं है, ये बनाइए और हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है, झटपट बन जाता है, हर कोई पसंद करता है इसको। ये लीजिए, हमने पोटैटो का स्लाइसेस निकाल लिए हैं। फिर ये ग्रीन चिली, इसका भी हम चॉप कर लेंगे। थोड़ा धो के काटिए, हमने धो के चॉप किए हैं। आप भी जो भी बनाएं साफ़ सुथरा बनाएं, बहुत ही अच्छा बनेगा। ये हमने ग्रीन चिली चॉप कर लिए हैं। एक बड़ा सा बाउल लेंगे, इसमें हम व्हीट फ्लोर 5 टेबलस्पून व्हीट फ्लोर ले लेंगे। 2 जन खा सकते हैं 5 टेबलस्पून। ये हमने 5 टेबलस्पून व्हीट फ्लोर ले लिए हैं। और राइस फ्लोर, चावल का आटा 1 टेबलस्पून लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा क्रिस्पी लाएंगे। मेरे पास ज़्यादा नहीं था, फिर भी 1 टेबलस्पून हो गया, जितना ज़रूरत था मेरे को उतना था जो मैं ले ली हूँ। इसको मिला लेंगे अच्छे से। इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे, ये चिली फ्लेक्स है, तीखा अपने हिसाब से डालें, आप जितना तीखा खाना चाहते हो उसी हिसाब से आप तीखी डालें। ये हमने हरी मिर्च चॉप करके डाले थे, काटे थे, उसको भी डाल देंगे इसमें। नमक स्वाद अनुसार डालें, आप जितना नमक खाते हो उसी हिसाब से डालें, नमक और तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अच्छे से मिला लें इसको, बहुत ही इजी है, बहुत ही है इजी है, झटपट बन जाता है, इंस्टेंट। मैं अपने चैनल में हर चीज़ इंस्टेंट बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, बहुत जल्दी झटपट बन जाए, ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ। वो बैटर हमने बना के साइड में रख लिए हैं, और ये जो पोटैटो का स्लाइसेस हमने काटे थे इसमें हम थोड़ा सा सूखा मसाला डाले हैं, हल्दी पाउडर डाले हैं, जीरा पाउडर डाले हैं और नमक। इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे। अच्छे से इसको मिला लें, और ये 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा थोड़ा सा बैटर में डाल दीजिए, थोड़ा स्पॉन्जी बनेगा, खाने में टेस्ट आएगा, एकदम झटपट बन जाएगा। ये हमने पैन में तेल गरम कर लिए हैं, उसको चारों तरफ फैला लेंगे। फिर इसमें वो जो पोटैटो स्लाइसेस हमने काट के मैरिनेट करके रखे थे उसको हम पैन में फैला लेंगे, चारों तरफ एक एक करके अच्छे से फैला लिए हैं हमने। आप भी इसी तरह करें, फैला लीजिए, फिर इसके ऊपर वो बैटर डालें, ज़्यादा मोटा ना डालें, थोड़ा सा पतला करके डाल दीजिए, पूरा पूरा कवर कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके कवर करें, ज़्यादा ना डालें, मोटा हो जाता है फिर भी ये खाने में इतना टेस्टी बनता है कि क्या बताऊँ। थोड़ा थोड़ा डालें, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ढक के पकाए, इसको हमने 1 मिनट ढक दिए थे, ये पक गया, अभी इसको पलट देंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही टेस्टी। एक बार बनाने का रिक्वेस्ट रहा, जिस प्रोसेस से बोल रही हूँ उसी प्रोसेस से आप बनाओ तो हर चीज़ अच्छा बनेगा, और मीडियम फ्लेम में ही बनाओ, हाई फ्लेम मत कीजिए ताकि ये जो आप खाना बना रहे हो जल ना जाए। और थोड़ा पकाएंगे, और थोड़ा क्रिस्पी करेंगे पोटैटो को। ये लीजिए, तैयार आपका पहला डिनर, बहुत ही टेस्टी। इसको हरी मिर्च और लहसुन की चटनी के साथ ले,
ऐसे ही अच्छा लगता है। अगर आप किसी चीज़ के साथ लेना चाहते हो तो आप ये किसी चटनी के साथ ले सकते हो। ये दूसरे हमने दूसरा भी हमने पैन में डाल दिए हैं, झटपट बन जाता है, 2 से 3 मिनट आपका पोटैटो भी बॉयल हो जाता है, बहुत इंस्टेंट बनता है, बहुत इंस्टेंट। हाथ में वक्त ना हो, बनाने का इच्छा ना हो, तब ये बना ले। ढक दीजिए, 1 मिनट ढकिए, तैयार। ये आपका दूसरा भी तैयार, झटपट बन गया आपका डिनर, एकदम इंस्टेंट। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर देना। मेरे सारे प्यारे दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर देना, और अगर चैनल में नए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एकदम बहुत ही टेस्टी, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। हर कोई पसंद करता है, बच्चे भी खा जाते हैं बहुत ही प्यार से। अगले एपिसोड में नया रेसिपी लेके आ जाऊंगी, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट। ये हमने कट करके दिखाए, देखिए पोटैटो भी बॉयल हो गया है, झटपट बन जाता है, एकदम टाइम लगता ही नहीं है। ये लीजिए, एकदम स्पंजी, फुली फुली, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, तैयार आपका डिनर। ये आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो। अगले एपिसोड में नया रेसिपी लेके आ जाऊंगी, तब तक के लिए बाय।